हे ममाज, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? सो सभी ममाज एंड डैडा का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के फेस पे से टैन को कैसे रिमूव कर सकते हैं। भाई, बच्चों के स्किन के ऊपर जब भी टैन आ जाता है, सबसे ज्यादा टेंशन ममाज को होने शुरू हो जाती है कि मेरा बच्चा काला हो गया यार, अब मैं क्या करूंगी, है ना? तो डोंट वरी, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही नेचुरल सी रेमेडी रेडी करने वाली हूँ। इस रेमेडी को आपने अपने बच्चों के फेस पे अप्लाई करना है और सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको धो लीजिएगा। आपके बच्चे की स्किन पे से जितना भी चिपचिपाहट, पसीना या फिर यू नो टैन आ गई है, तो वो बड़े आराम से निकल जाएगी। क्योंकि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी ईमेल्स आती हैं इसके रिलेटेड कि मैम, हमारा बच्चा पहले बड़ा गोरा था जब 1 ईयर का था या 1 एंड हाफ का था, अब हमारा बच्चा 2 साल का हो गया और जितना बड़ा होता जा रहा है, जितनी उसकी एज बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ वो उसका स्किन भी काफ़ी टैनिंग होता जा रहा है। हम क्या करें ऐसा कि बहुत ईजी रेमेडी भी हो और वो अच्छे से यूज़ भी कर पाएँ हम उसके चेहरे पर और उसका टैन भी निकल जाए। तो अगर आपको अपना बच्चा गोरा चाहिए, स्किन पे से टैन निकालना चाहते हैं, तो इस रेमेडी का यूज जरूर कीजिएगा। जितनी बनानी आसान है उतनी अप्लाई करनी भी बहुत इजी है, क्योंकि जब भी आप अपने बच्चे को नहलाने के लिए लेके जा रहे हैं तभी इस रेमेडी का आपने यूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये नुस्खे को हमने तैयार करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल, अगर आपके घर में प्लांट लगा हुआ है तो आप उसका फ्रेश एलोवेरा जेल ले सकते हैं, जो बहुत बढ़िया रहता है गाइज। मैं तो यही रिकमेंड करूंगी, घर का एलोवेरा जेल है तो बहुत परफेक्ट है। बट मेरा एलोवेरा को पता नहीं क्या हो गया, प्लांट सूख गया है, तो मेरे पास अभी मार्केट वाला जेल है। तो एक चम्मच एलोवेरा जेल लीजिए। एलोवेरा जेल स्किन को सूद सॉफ्ट करने में बहुत हेल्प करता है, स्किन की टैन को निकालता है। इसमें बहुत ही कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है जो आपके बच्चे की स्किन को फ्रेश बनाने में, हेल्दी बनाने में भी बहुत हेल्प करती है। अगर आप मेरा दूसरा चैनल जानते होंगे तो उस पर आपको पता है एलोवेरा जेल बालों के लिए भी कितनी हेल्दी होती है, अगर हम इसको खाते हैं तब भी कितनी बढ़िया होती है। एलोवेरा की आप लोगों को पता है कि सब्जी भी बनती है, वेजिटेबल हम सब्जी भी बनाते हैं जो बहुत हेल्दी होती है। सीरियसली, एलोवेरा में तो भरपूर मात्रा में गुण है, मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है। सो आज हम बच्चों के चेहरे पे इसको यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कोई क्रीम नहीं आता है अभी तक मार्केट के अंदर भी जो बच्चों की स्किन पे, 2 से 5-7 साल का हमारा जो बच्चा है उसकी स्किन पे से टैन को निकाल पाए। तो हमारे लिए घरेलू नुस्खे रामबाण होते हैं उनकी स्किन पे से टैन को निकालने के लिए। तो एक चम्मच हमने एक कटोरे के अंदर एलोवेरा जेल को डाल लेना है। तो उसके अंदर हम आधा चम्मच डालने वाले हैं गेहूं का आटा, जिससे हम रोटियां बनाते हैं। आधा चम्मच गेहूं का आटा डाल दीजिए। गेहूं का आटा स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है। अगर मैं बहुत डीपली आपको बताऊं तो आपको पता होगा ग्लूटाथियोन के बारे में। ग्लूटाथियोन जो है स्किन को ब्राइट बनाने में बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे ग्लूटाथियोन के कैप्सूल्स आते हैं, मेडिसिन आती हैं, आपको पता है इंजेक्शन भी लगते हैं, जो बहुत सारा मतलब टीवी स्टार हैं या बहुत बड़े मतलब स्टार होते हैं उनका स्किन एकदम से फेयर हो जाता है। लेकिन वो एक यू नो अलग मैटर है। अगर हम ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं तो वो उनका जो यू नो फेयरनेस होती है हमारी स्किन के ऊपर, वो थोड़े टाइम के लिए होती है, उसके बाद निकल जाती है। तो अभी मैं जो बात कर रही हूँ वो थोड़े टाइम के लिए नहीं है, लंबे टाइम के लिए है और बहुत ही नेचुरल सी रेमेडी है। तो ग्लूटाथियोन आटे में जो हमारा गेहूं का आटा है उसके अंदर डाला जाता है। तो गेहूं के आटे को आपने लेना है, गेहूं का आटा आपने लेना है आधा चम्मच, वो एलोवेरा में मिक्स कर दीजिए। अभी हम इसके अंदर डालने वाले हैं दूध। दूध डाल के एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। इस स्मूथ पेस्ट को आपने बच्चों के चेहरे पे अप्लाई करना है, सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे करके मसाज करनी है, उसके बाद चेहरे को वॉश कर दीजिए। स्किन एकदम हेल्दी लाजवाब हो जाएगी, स्किन बहुत क्लीन लगेगी। आप इसको नेक पे भी अप्लाई करें, नेक के बैक पे भी जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि बैक बहुत काली हो जाती है और हम लोग कई बार ध्यान भी नहीं देते हैं। तो बैक पे भी जरूर अप्लाई कीजिएगा। आप इसका डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राई करके जरूर देखिएगा। जो भी आपको रिजल्ट मिलता है नीचे कमेंट बार में शो जरूर करें। और दूसरी बात, बिफोर आफ्टर का पिक्चर लेके मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैं आपको नीचे दे दूंगी। सो मिलूंगी नए वीडियो में। ध्यान रखें अपना, अपने बच्चों का। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।